विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। विनोद बंसल जी, ये सीधा AIUDF की तरफ से कहना है, क्योंकि वो लोकसभा MP भी हैं और एक मौलाना भी हैं, और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सनातन धर्म में जो विश्वास करते हैं, जो हिंदू हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, और गाय और उनका जो जिस तरह से ये स्लॉटर करते हैं, कुर्बानी देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। देखिए, ये तो बेसिकली सीधा सीधा कानून का भी उल्लंघन है और ब्रॉडर हिंदू सेंटीमेंट्स के ऊपर भी आघात है, जो लोग अब तक इस तरह का काम कुकृत्य करते चले आ रहे हैं। मैं कहता हूँ ठीक है, चलो बदरुद्दीन अजमल को अभी सुध आई, कम से कम ईद के लिए सही उन्होंने एक बात तो कही, लेकिन मुझे बताइए कि ये जो सिर्फ ईद के लिए क्यों बोल रहे हैं भाई? गौ हत्या तो संपूर्ण देश के अंदर पूरी तरह से बैन होनी भी चाहिए, और दूसरी बात यह कि मुस्लिम समुदाय गौ हत्या के लिए ही क्यों उकसाता है? ये इनको ये सिर्फ ईद के लिए क्यों? बाकी हमेशा के लिए बोलना चाहिए ना कि भाई गौ हत्या जो है हिंदू सेंटिमेंट्स के ऊपर की हत्या है, और जिस तरह से देश के अंदर वातावरण जो है वो जिहादी समुदाय है बार बार जो सेंटिमेंट्स के साथ साथ विश्वास का भी घात कर रहा है, हिंदू समुदाय के साथ में जो विश्वासघात जो हो रहा है इस्लामिक जिहादी फोर्सेज के द्वारा, वो भी उस पर भी कुछ बोलना चाहिए। इनफैक्ट जिस तरह से डॉक्टर यूसुफ ने और वहां पर जो हत्या की अमरावती में 16 साल की जो अपना विश्वास था उस विश्वास का घात किया जी, तो लेकिन आप ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको आप वेलकम करेंगे? वो कह रहे हैं सनातन धर्म को यू नो कीपिंग दैट इन माइंड एंश्योर दैट यू डोंट सैक्रिफाइस काउस, दिस इज अ स्टेटमेंट दैट ही हैज गिवन कम्युनल हार्मनी के लिए, तो आप क्या इस स्टेटमेंट को वेलकम करते हैं? नहीं नहीं, ठीक है, वो देखिए वो स्टेटमेंट देना चाहिए और मैं कहता हूँ इसको प्रैक्टिकली करना भी चाहिए, और सिर्फ ईद के दिन ही क्यों, हमेशा के लिए रखना चाहिए उनको। हम जब उनके हर सेंटीमेंट्स का ध्यान रखते हैं तो वो आखिरकार गौ की हत्या पर इस तरह से शेष समुदाय को कैसे कह सकते हैं कि भाई ईद के दिन कम से कम रोक लो? ईद के दिन का क्या मतलब है इसको? इनको हमेशा कहना चाहिए कि हमेशा के लिए गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए, और इनके समुदाय के लोग आखिरकार गौ हत्या पर ही उतारू क्यों रहते हैं आखिरकार? इस बात को इनको समझना चाहिए और उनको इस बारे में उस तरह का वक्तव्य भी देना चाहिए और सरकारों से प्रयास भी करना चाहिए कि भी वहां पर गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून बने जी। अगर तो बेसिकली क्या है, हिंदू सेंटिमेंट्स ही नहीं है बल्कि गाय तो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी धुरी भी है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है उन्होंने कम से कम ईद पर याद आई उनको, लेकिन कम से कम चलिए आप कह रहे हैं कि एक तरफा बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, अगर आप मान रहे हैं तो पूरी तरह से दिखाकर माने, तभी आप मानेंगे इन बात को जो AIUDF के चीफ ने कही है बात। विनोद बंसल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।